पंछी की तरह आजाद हो गए गुलाम नबी आजाद इन दिनों लगातार क्यों मोदी सरकार की तारीफ कर रहे हैं और ऐसे वक्त में जब चुनाव सर पर है। गुलाम नबी आजाद आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करके इशारा क्या करना चाहते हैं, केंद्र सरकार की तारीफ करके इशारा क्या देना चाहते हैं, ये अपने दर्शकों को आज विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत गुलाम नबी आजाद से। एक वक्त में कांग्रेस पार्टी के साथ रहे गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस का साथ छोड़ने के बाद नई पार्टी तो बना ली, लेकिन नई पार्टी का रोल जम्मू कश्मीर में ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिला। यहां तक कि विपक्षी पार्टी के तमाम नेताओं ने, कांग्रेस के कई नेताओं ने यह कहा कि गुलाम नबी आजाद की पार्टी तो रजिस्टर तक नहीं है, चुनाव आयोग से पार्टी को चुनाव का सिंबल तक नहीं मिला, तो आजाद क्या चुनाव के मैदान में उतरेंगे। हालांकि आजाद इस बात को भली भांति समझते हैं कि उनकी जो पार्टी है उसका रोल जम्मू कश्मीर में कुछ रहने वाला नहीं है और ऐसे में उन्हें किसी बड़ी पार्टी के साथ जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के साथ जाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन बात बन नहीं पाई और अब BJP की तरफ देख रहे हैं। इस बात को जानते हैं, केंद्र में सरकार है और लगातार केंद्र में सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, जनता का रुख BJP की तरफ है, आने वाले वक्त में रोल BJP का ही रहेगा। गुलाम नबी आजाद से कई मुद्दों पर जब सवाल पूछा जाता है तो आजाद क्या कुछ कहते हैं, ध्यान से सुनिए। जहां जिन बातों का मैंने जिक्र किया, बेकारी है, बेरोजगारी है, ये तमाम चीजें तो आज यहाँ है, लेकिन ये हकीकत है मिलिटेंसी में बहुत फर्क पड़ा है। मिलिटेंसी में बहुत फर्क पड़ा है। जो गलत चीजें इस सरकार ने की उनका खुलासा मैंने अपनी तकरीर में किया। वो चीज जो हुई है वह कि मिलिटेंसी में बहुत फर्क है। अभी कहीं इक्का दुक्का वारदात होती है, इक्का दुक्का वारदात पूरे हिंदुस्तान में भी, इसलिए ये वक्त आ गया है कि मरकजी सरकार रियासत के लिए बहुत मदद करनी चाहिए, डेवलपमेंट के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए, सड़कों के लिए, कारखाने लगाने के लिए, इस कम मिलिटेंसी या न होने की मिलिटेंसी में मरकजी सरकार को फायदा उठाना चाहिए इसका। अगर फिर वैसे ही रहे वह ये मिलिटेंट सी स्टेट थी तो आप इसमें कुछ नहीं करेंगे तो फिर कोई मिलिटेंसी खत्म करने में कुछ फायदा। सर मेरा ये नहीं मालूम कौन थे और कौन नहीं थे, लेकिन ये हकीकत है ये सरकार निकालती बहुत है और लगाती कुछ नहीं। पीएम को नोबेल पीस प्राइज देने का सर जो है बात चल रही है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ना मैंने देना है ना आपने देना। तो देखा आपने कि गुलाम नबी आजाद ने क्या कुछ कहा और फिलहाल मौजूदा समय के अंदर अगर देखा जाए तो गुलाम नबी आजाद ने महंगाई हो, बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो, शिक्षा हो, तमाम ऐसे मुद्दे पर बात तो की और केंद्र सरकार से जवाब जानने की कोशिश भी की, लेकिन इशारों इशारों में सरकार की तारीफ भी करते नजर आए। तो गुलाम नबी आजाद इन दिनों जिस तरीके से बात कर रहे हैं वो ये बताता है कि आने वाले वक्त में BJP के साथ जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा पीछे अगर जाया जाए तो कुछ वक्त पहले अमित शाह से मुलाकात गुलाम नबी आजाद ने की थी। आजाद का अमित शाह से मुलाकात करना ये जाहिर तौर पर बताता था कि बहुत कुछ अंदर चल रहा है और शायद चुनावों से पहले अगर आज़ाद को BJP में एक बड़ी जिम्मेदारी मिल जाती है तो ये एक चुनाव से पहले बड़ी रणनीति भी होगी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।